टेकोमीटर एक मेजरिंग डिवाइस होता है जिसका यूज मशीन के रोटेशनल स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड साफ्ट ऑफ द कपल्ड डिवाइस देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेकोमीटर एसी टेकोमीटर जेनरेटर एंड डीसी टेकोमीटर इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट डीसी टेकोमीटर जेनरेटर आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको लगेगा कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके डीसी टेकोमीटर परमानेंट मैग्नेट आर्मेचर ब्रश कम्यूटेटर वेरिएबल रजिस्टर एंड मूविंग क्वाइल वोल्ट मीटर से मिलकर कंसिस्ट होता है जिस मशीन के रोटेशनल स्पीड को मेजर करना होता है उसको डीसी टेकोमीटर के साफ्ट के साथ कपल्ड करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी टेकोमीटर जब कपल्ड मशीन का साफ्ट रोटेट करता है तो उसके साथ डीसी टेकोमीटर का जो साफ्ट है वो भी रोटेट करता है जब डी सी टेकोमीटर का आर्मेचर रोटेट करेगा तो उसमें ई एम एफ इंड्यूस होता है बिकॉज जो साफ्ट है वो परमानेंट मैग्नेट के बीच में प्लेस्ड है एंड जब रोटेट करता है तो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है सो फ्रॉम फेराड लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्सन टेकोमीटर के आर्मेचर कंडक्टर में ई एम एफ होता है इंड्यूस होने वाला ई एम एफ़ का मैग्नीट्यूड रोटेटिंग साफ्ट के ऊपर डिपेंड रहता है मतलब कपल्ड मशीन का साफ्ट जितना ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा उसके साथ डीसी टेकोमीटर का साफ्ट भी रोटेट करेगा एंड उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्पीड ऑफ साफ्ट जब आर्मेचर वाइंडिंग में ई एम एफ इंड्यूस होता है तो वो ए सी नेचर का होता है इसलिए वहाँ पे कम्यूटेटर रिंग का यूज किया जाता है जो कम्यूटेटर रिंग है वो इंड्यूस्ड ए सी करेंट को डी सी करेंट में कन्वर्ट करता है एंड ब्रश के थ्रू जो आउटपुट रहता है वो मूविंग क्वाइल वोल्ट मीटर में जाता है एंड जो वोल्ट मीटर है वो इंड्यूस्ड वोल्टेज के वैल्यू को मेजर करता है वहाँ पर वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट रहता है जो कि वोल्ट मीटर में जाने वाली हैवी करेंट को कंट्रोल करता है द ई एम एफ इंड्यूसेज इन डी सी टेकोमीटर जेनरेटर इज़ गिवेन वाई ई इज़ इक्वल टू फाइव पी एन अपॉन सिक्सटी into z by a where e is the generated voltage i is the flux per pole in weber p is the number of poles n is a speed in revolution per minute z is the number of conductor in armature winding and a is the number of parallel path in the armature winding here e is directly proportional to n मतलब साफ्ट का जितना ज़्यादा स्पीड ऑफ रोटेशन होगा उतना ज़्यादा ई एम एफ इंड्यूस होगा तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें